दिलदार नगर थाना क्षेत्र के कुशवाहा कॉलोनी वार्ड नंबर 10 में एक विवाहिता का शव कमरे में पंखे की कुंडी से रस्सी के सहारे लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। इस मामले में मृतका की मां ने पति सहित अन्य लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मालूम हो कि दिलदार नगर गाँव कुशवाहा कॉलोनी में वार्ड नंबर 10 निवासी धीरेन्द्र कुशवाहा प्रयागराज में रहकर लोको पायलट की तैयारी कर रहा है। उसकी पत्नी चांदनी परिवार के साथ ससुराल में रहती थी। उसके पिता राम नगीना कुशवाहा ने बताया कि बहू चांदनी कुशवाहा रोज की तरह गुरुवार की देर शाम हम लोगों को भोजन कराने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। शुक्रवार की सुबह जब काफी देर बाद भी वह कमरे से बाहर नहीं आई तो पत्नी के साथ कमरे के पास पहुंचा। दरवाजा खोला तो देखा कि वह पंखे की कुंडी में रस्सी के सहारे लटक रही थी। तत्काल पुलिस के साथ ही मायके वालों को घटना की जानकारी दी गई। उधर मायके पहुंची मृतका की मां स्वीकृति देवी ने ससुराल पक्ष पर दहेज में मोटरसाइकिल मांगने को लेकर पुत्री को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक कमलेश पाल ने बताया कि मृतका की मां स्वीकृति देवी की तहरीर पर ससुराल पक्ष के पति ससुर देवर तथा दो ननद सहित 5 के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तहसीलदार सेवराई की उपस्थिति में पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।